खुशी और उसके साथ देसी मुर्ग। ये जी बाबा जी बैठे हुए हैं और ये हुक्के का टेस्ट कर रहे हैं, तो अभी इनसे इनका हाल हवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो क्या हाल है? शुक्र है। सुनाओ हुक्का वावा मजा देने तक हूँ। हुक्का मजा राठा दे रहे। कितना साथी के स्टार्ट किया हुआ? यहाँ 10-15 साल। ओ खैर। अच्छा ए दस सो उम्र तो कितनी हो सी टाइम? 80-85 साल। जबरदस्त वाल भी सेहतमंद वधे हुए थे। यहाँ पैदाइश तुरी कितू दी है? इथों दी है केड़ी जा दी है? हिंदुस्तान दी। अच्छा हिंदुस्तान दी पैदाइश है जी। हां तुसा वाल की मतलब इथा पाकिस्तान जो आया वे की हो जड़े आवे? सब 5-7 साल दे आसे जी टाइम यानी के पाकिस्तान बन दे। जबरदस्त केवल कीवे तुसा उतो निकड़े होए अलैदा थी ते वाल इथा पाकिस्तान कीवे आ गयो है? निकड़ दे बस कई उढ़ही रह गए कई दही आ गए। और तोड़े रिश्तेदार को उथा भी हैं जड़े रह गयो? हां रिश्तेदार हैं खुद मेरे मुलोयर हैं। अच्छा उतो केड़ी जात रानन कोई उतो जगह पता ना आंदे ता को? जगह पता को नंबर। अच्छा رابطہ شابطہ تا کہنا تھیندا اسی تھیندا رہندے رابطہ کن تھیندا پہلے تھیندا ہون نا موبائل تے چے دے نا تھیندا یعنی کہ اگر تارے کنے وڈا ٹچ موبائل ہوے تے وال تھوڑا رابطہ تھی سکدے انہاں نال تھی سکدے انہاں موبائل اندے نہیں تھی سکدے کہیں رشتہ دار دا نا اندے جڑا انڈیا چ ہن بیٹھا ہوے تھیا عطا محمد عطا محمد جڑا انڈیا تو رشتہ دار ہے سلام آکھ دیو کو عطا محمد کو سلام آکھو جا سلام علیکم عطا محمد میرے مولوی رے ویور سامنے اپ دیکھ سکتے ہیں اماں جی جو ہیں وہ ریسیپی بنا رہی ہیں और अगर सराउंडिंग व्यू की बात की जाए तो आप देख सकती हैं इर्द गिर्द सारी फसलें हैं। यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे इक्का दुक्का लोग जो हैं वो अपनी ज़मीनों में घर बना के बैठे हुए हैं। डेजर्ट में उगती है, आप देख सकते हैं जब बारिश का मौसम होता है सब इसके फूल लगते हैं, ये लोग तोड़ के ले आते हैं, इसको खुश करते हैं, बड़ा टेस्टी इसका सालन बनता है। और सामने आप देख सकती हैं यहाँ की ज़बान में इसको बखारी बोला जाता है, मड का एक छोटा सा शेल है, इसके अंदर ज़रूरियात की चीज़ें स्टोर की जाती हैं। मैं आपको ये गेट खोल के भी दिखाता हूँ अंदर से। ये जी आप देख सकते हैं ज़रूरियात की कुछ चीज़ें जो हैं अंदर इन्होंने रखी हुई हैं। सर्दियों का इनका ये किचन है, ठंड के मौसम में इस किचन के अंदर ये कुकिंग करते हैं। आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा किचन और ज़रूरियात की चंद चीज़ें इसके अंदर उन्होंने रखी हुई हैं। व्यूअर आप देख सकते हैं ये भाई ने सामने एक टॉर्च पकड़ी हुई है और इसमें सोलर सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये लोग जो हैं रख देते हैं, दिन के वक्त सूरज की रोशनी से ये चार्ज हो जाती है और इसको एक तो ये टॉर्च के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि आप सामने देख सकते हैं टॉर्च लगी हुई है। MP3 चलती। उसके बाद क्या हुआ इसमें? MP3 चलती। जबरदस्त, यानी आप गाने शाने भी सुनते हो? बड़ा शौक है गाने सुनने का। यहाँ पे डेजर्ट के लोग जो होते हैं वो जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेके आते हैं और फिर खाने पकाने के लिए जो ईंधन इस्तेमाल होता है उसे यूज़ करते हैं। व्यूअर यहाँ पे डेजर्ट में सरसों की फसल जो है वो अरूज पर है और यहाँ डेजर्ट के लोग जो होते हैं वो मेहनती होते हैं, खुद ही इसको काट के और उसके बाद इनको हार्वेस्ट करना होता है। अब जदीद मशीनरी का दौर है तो मशीनरी के मदद से हार्वेस्ट के सरसों निकाल लिया जाता है। और साथ ही आप देख सकते हैं मर्ड लोकेशन जो डेजर्ट में मौजूद है, सराउंडिंग व्यू भी आप चेक कर सकते हैं। ये जी फाइनली हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है और अभी हमने ये आटा जो है गूंद लिया, रोटियां लगाने लगे हैं। ये जी फाइनली रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। दो
वीवर ये फाइनली रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है, अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं कि किस तरह से बनी है। और घर से थोड़े से फासले पर इन्होंने ये हैंड पंप लगाया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत मौजूद नहीं है, तो इसीलिए ये लोग हैंड पंप का पानी इस्तेमाल करते हैं। यही पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नहाने के लिए, कुकिंग के लिए, रोज़मर्रा में पानी की जहाँ पे ज़रूरत होती है तो ये हैंड पंप की मदद से पानी इस्तेमाल करते हैं। ये जी आप देख सकते हैं, ये जी आप देख सकते हैं फाइनली रेसिपी जो है ये तैयार हो चुकी है। तो अभी जो है टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं।